हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। ये एक स्मॉल वीडियो है जिसमें हम देखेंगे कि हम अपने टेक्स्ट व्यू में हिंदी फॉन्ट्स कैसे शो कर सकते हैं। अगर हमें हिंदी के कुछ अक्षर अपने टेक्स्ट व्यू में शो करने हैं तो हम कैसे करेंगे, या अगर हमें कोई कस्टम फॉन्ट यूज़ करना है अपने टेक्स्ट व्यू में तो हम कैसे करेंगे। दोनों के लिए सेम प्रोसेस है, तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो ये मैंने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया जिसमें ये मेरी मेन एक्टिविटी है, ये उसकी लेआउट फाइल है। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर एक एसेट्स फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा जिसके अंदर हम अपनी फॉन्ट फाइल रखेंगे। तो मैं इस ऐप वाले फोल्डर पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं न्यू पे जाकर, यहाँ पे आप देखेंगे फोल्डर का ऑप्शन है, फोल्डर के अंदर ये एसेट्स फोल्डर है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। तो ये मुझे प्रॉम्प्ट कर रहा है कि आपको कहाँ पे ऐड करना है, तो मैं इसे डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ और फिनिश पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एसेट्स फोल्डर क्रिएट हो चुका है। उसके बाद जो भी मुझे फॉन्ट यूज़ करना है उसकी फॉन्ट फाइल मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ देवनागरी फॉन्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरी देवनागरी फॉन्ट की फाइल है, इसका एक्सटेंशन जो है वो .ttf है। तो आप इसको इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, ये फ्रीली अवेलेबल है। क्लिक ओके। तो ये मुझसे पूछ रहा है कि इसका टाइप क्या है, तो इसको ऐसे ही रहने दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी फॉन्ट फाइल ऐड हो चुकी है। अब क्योंकि हमें एक टेक्स्ट व्यू क्रिएट करना है जो हमारे फॉन्ट को यूज़ करेगा, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा एग्जिस्टिंग टेक्स्ट व्यू होता है, जितने भी हमारे लेबल्स होते हैं वो हम टेक्स्ट व्यू के थ्रू शो करते हैं एंड्रॉयड में, तो हम क्या करेंगे इनहेरिटेंस का यूज़ करेंगे और जो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट व्यू है उसको ओवरराइड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा मेन जावा पैकेज है, इसके अंदर मैं राइट क्लिक करके एक नई क्लास ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हिंदी टेक्स्ट व्यू, उसके बाद इस ओके बटन पर क्लिक करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी क्लास क्रिएट हो चुकी है, तो मैं इसको एक्सटेंड करूँगा टेक्स्ट व्यू क्लास से। तो ये मेरी क्लास इनहेरिट हो चुकी है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझको एक एरर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं ऑल्ट एंटर प्रेस करूँगा, तो ये मुझे बता रहा है कि इंस्टीड ऑफ टेक्स्ट व्यू मुझे ऐप कंपेयर टेक्स्ट व्यू का यूज़ करना चाहिए। जनरली क्या होता है कि एंड्रॉयड के बहुत सारे वर्जनस है, हर वर्जन में कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐड की जाती हैं टेक्स्ट व्यू क्लास के अंदर। उन प्रॉपर्टीज़ को बैकवर्ड कंपैटिबल बनाने के लिए ऐप कंपेयर टेक्स्ट व्यू क्लास क्रिएट की गई है, जो कि इनहेरिट करती है टेक्स्ट व्यू क्लास से। तो सिंपल लॉजिक है, जो हमारी ऐप कंपेयर टेक्स्ट व्यू क्लास है वो इनहेरिट करती है टेक्स्ट व्यू क्लास से, तो मैं इससे इनहेरिट कर लेता हूँ इसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे इनहेरिट कर लिया है। उसके बाद स्टिल ये एरर दे रहा है मुझे क्योंकि इसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर ऐड नहीं किया है। तो एक बार इसकी डॉक्यूमेंटेशन पर चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ये जो हमारी ऐप कंपेयर टेक्स्ट व्यू क्लास है वो इनहेरिट करती है टेक्स्ट व्यू क्लास से। तो अगर टेक्स्ट व्यू क्लास पर चलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ कंस्ट्रक्टर डिफाइंड है। तो ये है कंस्ट्रक्टर, हमें डिफाइन करने पड़ेंगे। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे कंस्ट्रक्टर्स हैं, इनको हमें ओवरराइड करना पड़ेगा। तो वापस अपने कोड पर चलते हैं। तो यहाँ पे मैं दोबारा से ऑल्ट एंटर प्रेस करूँगा और ये जो पहला सजेशन है उसे एक्सेप्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे तीनों कंस्ट्रक्टर को मैं एक्सेप्ट करके ओके प्रेस करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे तीनों कंस्ट्रक्टर ऐड हो चुके हैं। उसके बाद इस क्लास के अंदर हम एक प्राइवेट मेथड ऐड करेंगे जो हमारे टेक्स्ट व्यू पे हमारी फॉन्ट फाइल को अप्लाई करेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्राइवेट वॉइड इनिट टाइप फेस और इसको हम पास करेंगे कॉन्टेक्स्ट। तो हमारी टाइपफेस नाम की एक क्लास होती है जो हमारे टेक्स्ट व्यू पे फॉन्ट फैमिली को अप्लाई करती है। तो जो भी हमें फॉन्ट लगाना होता है वो हम टाइपफेस क्लास का यूज़ करके अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक टाइपफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा टाइपफेस क्रिएट फ्रॉम एसेट्स। अब क्योंकि जो हमारी फॉन्ट फाइल है वो हमारे एसेट्स फोल्डर के अंदर पड़ी है, तो मैं इस वाले मेथड का यूज़ करूँगा। उसके बाद मैं इसके अंदर कंटेक्स्ट डॉट गेट एसेट्स कॉल करूँगा, तो ये मुझे एसेट मैनेजर पास करेगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे अपनी फॉन्ट फाइल का नाम पेस्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरी फॉन्ट फाइल का नाम है। उसके बाद इस टाइप फेस को हम अपने टेक्स्ट व्यू पे अप्लाई कर देंगे, तो दिस डॉट सेट टाइप फेस और इसके अंदर हम टाइप फेस पास कर देंगे। तो ये जो हमारा मेथड है वो हमारे फॉन्ट को हमारे टेक्स्ट व्यू पे अप्लाई कर देगा, बट इसको हमें सब कंस्ट्रक्टर्स के अंदर कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कॉल करूँगा इनिट टाइप फेस और इसके अंदर ये कॉन्टेक्स्ट पास कर दूंगा। तो इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं सब जगह। तो ये हमारा एक कस्टम टेक्स्ट व्यू क्रिएट हो चुका है। इस तरीके से आप कोई भी फॉन्ट इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं अपनी लेआउट फाइल पे वापस जाता हूँ और देखते हैं इसको कैसे अप्लाई करेंगे। कंस्ट्रेंट लेआउट की जगह मैं यहाँ पे रिलेटिव लेआउट यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इस टेक्स्ट व्यू को रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैं लिखूंगा हिंदी टेक्स्ट व्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मुझे सजेशन में आ रहा है, तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं इसे रैप कंटेंट दूंगा। तो ये जो हमारा कस्टम टेक्स्ट व्यू है वो इनहेरिटेड है टेक्स्ट व्यू क्लास से, तो बिल्कुल सेम प्रॉपर्टीज़ होंगी इसके अंदर जो हमारे टेक्स्ट व्यू के अंदर होती है, बट इसमें बस यही डिफरेंस है कि हमने इसमें फॉन्ट अप्लाई कर दिया है, जो हमारा कस्टम फॉन्ट है वो हमने इसमें अप्लाई कर दिया है। उसके बाद इसके अंदर टेक्स्ट देते हैं, तो टेक्स्ट मैंने कॉपी करके रखा हुआ है, तो मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो इसका टेक्स्ट साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं यहाँ पे, तो इसे मैं लिखता हूँ 40 SP और इसको थोड़ा सेंटर कर देंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट, इसको सेंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा हिंदी फॉन्ट डिस्प्ले हो रहा है, तो इसको रन करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आउटपुट। तो इस तरीके से हम कस्टम फॉन्ट्स का यूज़ करते हैं अपनी ऐप के अंदर। जनरली लोग डिफरेंट फॉन्ट्स यूज़ करते हैं, तो अगर आपको अपनी ऐप हिंदी में क्रिएट करनी है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक स्मॉल वीडियो था, जस्ट अ क्विक वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड मेक श्योर करें कि हमारी सीरीज़ जो चल रही है उस पर फोकस करें, आपको एक अच्छी ऐप क्रिएट करने का मौका मिलेगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।